राज का, धनबाद सरकार का, प्रदूषण महाराज 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 का, प्रदूषण महाराज का, प्रदूषण महाराज का, सावधान सावधान महाराज खर दूसरा पधार रहे हैं। दरबार के वीर सर दोनों हमारे नाम का सोहरा है, विश्व के कोने कोने में और बजा करता है वो डंका, ब्रह्मांड के वो कोने कोने में राक्षसों के कार पर हमेशा हम अपनी जान देते हैं। बगावत यदि करे कोई तो आंखें फोड़ देते हैं। क्यों शोर मचा रहे हो? जो खा रहे हैं उसे पचा रहे हैं। ऐसा खाना खराब है, उसको पचाने के लिए बारंदी शराब है। वज्र दंत रक्त पिय कहो 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 है आनंद महान। जो आनंद हम ही सो सो इंद्रह को नाई। शाबाश। जो आनंद हम ही सो इंद्रह को नाई। मगर रात दिन छुधा रहूं पेट भरन कहां। एक चर्चा खाना खाना खान पियन की बात को जान ताकत ताकत हुज्जत हुज्जत कुब्बत कुब्बत भुजाओं का बल इज्जत इज्जत क्यों नहीं, हमने सोचा सब लिज्जत पापड़ भी कंपनी है, लिज्जत पापड़। हमने कहा क्या है? इज्जत ए कुब्बत हिम्मत भुजाओं का बल बल ताकत ताकत। सुनाओ सुनाओ को सुनाए। हम नहीं हम अरे अरे हमें क्या मालूम आप हमसे कह रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं। ताकत कहां दिखाऊं ताकत बताओ। क्या अभी ताकत दिखाऊं? दिखाऊं नहीं बताऊं। नहीं मैंने कहा था दिखाऊं नहीं बताऊं 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 केवल बताऊं बताऊं बताऊं। महाराज है कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं। हाँ फिर से बताओ जरा समझा के क्या कह रहे हैं। कभी प्यासे को वाटर हाँ पिलाया नहीं, बाद क्वार्टर पिलाने से
किया। अरे ये ताकत है, अरे पीने के बाद ये ताकत है, पीने के बाद आती है ताकत। आप पी चुके हैं, हम पी चुके हैं महाराज, इस चीज की थपने का कमी नहीं है। ये तो दरबार की शोभा है, ताकत बताऊं, पर पीने की चर्चा अभी कहां से आ गई? मैंने मारा, मारा मैंने, शाबाश, मैंने मारा, शाबाश बहादुर। हो कोई माइक लाल मार के दिखावे। अरे मैंने मारा। अरे इधर सुन, प्रेम पुष्प प्रेम से परसाओ। किसको मारा? मैंने। किसको? मैंने मारा। ए, तुमने मारा? किसको मारा? पूछो किसको? तो पूछ रहा। पूछो किसको? किसको मारा? मैंने मारा। किसको? पूछो किसको? रे किसको? अपनी बीबी को। बीबी को? बीबी को मारने ताकत है? अरे आजकल कोई मार के दिखा दे न दहेज में फंसा दे तो जाने। मैं युद्ध भवन की ताकत पूछता हूँ, जो शत्रु के सामने काम आवे वो ताकत। मैं बताऊं, एक बार हम जंगल में गए, घोर जंगल में, हमारे सामने शेर आ गया, बबर शेर। हमने कहा वाह भाई वाह, शेर के सामने शेर आ गया। शेर ने मुझे देखा, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, शेर ने पंजा बढ़ाया, मैंने भी अपना पंजा बढ़ाया, और जैसे ही उसने हमारे ऊपर छलांग लगाई, हमने रिमोट उठाया, चैनल बदल दिया। कहाँ देख रहा था ये? कहाँ देख रहा था ये? ये ताकत है? अच्छा ताकत? अरे इतनी देर से हम अभी तक समझे। हमने कहा तुम कह रहे थे कुब्बत दिखाओ, मैं तो ये कुब्बत दिखा रहा था। अब ताकत सुनो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बता रहा हूँ, ऐसे ताकत बताई जाती है। अच्छा बताओ। पंजा मारूं जमीन में। अभी हमारा पड़ा नहीं, अब पड़ेगा देखना। अभी तो केवल बता रहे हो। बता रहा हूँ। नहीं अभी मार ना देना। नहीं, पंजा मारूं जमीन में, पानी निकाल दूं। क्या? पानी 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 पंजा मारने से वो ताकत है। शाबाश बहादुर। पंजा मारूं जमीन में तो पानी निकाल दूं, तुम जैसे वीरों को चुटकी में मसल। क्या? हम जैसे नहीं, हम जैसे, अरे हम जैसे, आप जैसे दूसरे, आप छोड़ो ना, आप जैसे जैसे कोई आप कहां कहां राजा भोज, कहां गंगू थेली, अरे उनकी बात थोड़ी, आप तो महावीर हैं। सुनो जी, पहले इन सब वीरों की भी ताकत सुनो। ताकत कामू भाई बैठे हैं। ताकत इज्जत, चलो इज्जत दिखाओ। ए ताकत बताओ। मृत्युलोक से स्वर्गलोक तक हाहाकार मचाया है, जो मेरे सम्मुख आया उसको मार भगाया है। शाबाश मिट्टी के शेर। जब मैं निकलता हूँ हाँ। देख मुझको देवता जा कंदरों में है घुसे, और मार दूं, मार दूं, ओ मार दूं मुक्का तो बत्ती सिया नीचे गिरे। तुम बतावम किम करोती ना बाजा। जल्दी जल्दी ताकत बताओ। सबको संभव कर सकता हूँ इस चलती हुई जवानी में, और फूल खिला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में, और सब कुछ संभव कर सकता हूँ इस चढ़ती हुई जवानी। मैं वीरों में मैं वीर निराला, और जीव बड़ा मजवाला हूँ, और दिग्गज दहलते हैं मेरे पहुंच जाने में, और सुर असुर भय खाते हैं मेरे नाम सुनने में, और वीरों में मैं वीर निराला, जीव बड़ा मजवाला हूँ।
और सुनो, और कोई वीर पुरुष, और कोई अपनी ताकत बताना चाहो दिखाने की, तो तुम्हें में ताकत है नहीं, बलबला ही सकते हो। सबकी ताकत तो सुन रहा है, बड़ा ताकत सुनने वाला है। हाँ, ये अरे हंसाओ फिर, हम हूँ हंस रहे तो गलत का, तो मुझे देख कर हंसता है, तो हम तुम्हें देख के हंस रहे, कोई तो एक दूसरे तो हंस रहे, तीसरा तो कोई नहीं है। यह हिमालय और सागर मेरी किरण निकेतन है, यह धनर आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है, चरण भी रह नहीं सकता, नारायण मेरे भय से, तभी तो वो सोता है सदैव क्षीर सागर में, ये हमारी ताकत है। और ताकत और हमारे भाइयों की ताकत सुनो, तू केवल हमारी ताकत न सुन, इनकी भी सुनो। ये आप सुनो मेरी ताकत को, आदरणीय श्री भैरव नाथ जी, बढ़िया ताकत बताना पेलना तक ठीक है, आदरणीय भैरव कप्तान सुरेश, शेष कालो महेशा, हाँ सुन देवता घुसे है मेर कंदरन, चिघरत दिग्गज कूरम कलमला थर थरा शेष थड़ फाग भाल बंदर, कई के करवाल धार घेरा दाए धरणी पर, तो डगमग हो व्योम सुस्त सुस्त ताकत, सूर और चंद देव छिपते निहार मोए, भाग समर सूर छिपाए भवन के अंदर, भवन के अंदर। ये सुस्त ताकत आप लोगों ने सुनी, सुस्ती के लिए धन्यवाद। वे स्वच्छ परछाया हिंसा खर दूसर तीसरा का आतंक डूब रही सब आर्य सभ्यता, रात मांस मदिरा के फंग, हमने सारी आर्य सभ्यता को अपने पैरों तले कुचल डाला है। अरे मोरे भैया रे धवन, ए धवन जी महाराज, ये रोने की आवाज, हमको लगता है किसी की बिटिया विदा हुई रही है। जंगल में किसकी बिटिया विदा होगी? अरे मोरे भैया, जाओ पता लगाओ कौन रो रहा है। बहु पिरा थी, अरे बहु छर छरा थी रे, अरे मैं मर गई भैया। अरे चाहूंगा मैं तुझे, अरे मोरे भैया रे, सांझ सवे, अरे बहु कल्ला थी, फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज। थी कहां से आई है माता जी, आप यहाँ कैसे घूम रही माता जी? इधर आओ, इधर है तो कहे, और पास आ, नहीं पास आ, पास क्यों आए? मेरा मुंह तो खोलो, काम तो संग सात भावर घूमे जो तेरा मुंह खोले हम। अरे मैं तेरी बुआ हूँ, नाश काटी रिश्ता खोल रही है। आप कौन हो माता जी, मुंह दिखाओ अपना। अरे तेरी माँ की ननद हूँ। अरे तेरी माँ की, मेरी माँ की ननद माने हमारी बुआ भाई, तो हाँ। बुआ तो सूप न खाए, बहु पिरा थी। आप कौन हो माता जी? अरे वही हूँ, भीख मांग रही हूँ, ले 10 रुपया दे दो, कहा उधर चलो उठे चल, अरे बहु दे 10 रुपया दे यार, ला यार ले जा उधर चाट खा ले, 10 के 20 ले ले।
अरे कल्ला थी ये एमा का कल्ला थी, एमा तो सब सब कुछ है, एमा तो सब कुछ बढ़िया है, एमा कुछ। अरे पहले मेरा मुंह तो खोल। अरे ये आराम तो खा जा, कुछ न कल्ला ही तन को मुंह खोल है, पैसा न ले लागत थी कुछ, आऊ खाई पकौड़ा खाई का काकू। बुआ ये क्या हुआ? अरे मेरे भतीजे पास पे आ जा। बुआ ये क्या हुआ? अरे यहाँ यहाँ मेरे पास। अरे यह सब छीछा ले आदर कौन कौनी रोड में घसी ले गए। पौपिरा थी हमका लगा था कौनो तू रोलर या कौनो बुलटोजन में अभी दी गए। बहुत छरछराती छरछरात तो होबे करी, थोड़ो नमक लगा ले तो शायद दर्द का हो कम हो जाए। रहाइश नहीं हो ये सब कहाँ रगड़ी गई हूँ? अरे सब तुम्ही से बता दू। अरे हम से न बताई तो भाई बताओ कैसे बताई है तय। बहुत तकलीफ। तकलीफ तो तगड़ी है। ऐसे ऐसे होती ऐसे ऐसे होत होई। लक्ष्मी का बुला दे लक्ष्मी। ऐसे ऐसे तो होबे करी, जब हो थी तब ऐसे ऐसे हो लक्ष्मी का बुलाया तो रे ऐसे ऐसे कैसे हो थी हमें बताओ बतीजे। अरे यार बुआ ये सब कहाँ थे का हुई गा यार? अब सब बता दूंगी, बताओ भैया हैं? भैया हैं नहीं तो कहाँ मरी गए हैं भाई? कहाँ क्या, क्या कर रहे हैं इस समय? तो खाली टाइम है, नरेगम नहीं कहूँ, कोरोना चल रहा है तो ऐसे बैठे हैं सब। जाओ भैया से बता दो तुम्हारी बहन बहुत दुखी, मिलना चाहती है, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भाई का ऐसे मम्मू दिखाइयो तुम। महाराज आपके जीवन में हाहाकार हो। क्या कह रहा है? जय जयकार हो। कौन रो रहा था? आपकी बहन सूपनखा महाराज। हमारी बहन जी वज्रमणि सूपनखा आज रोते हुए जी। जाओ सम्मान सहित दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा। ला बुआ सामान सामान दो सामान सामान कुछ है अटैची वगैरह? सामान सब खत्म है। सामान नहीं लेके आई? सब झक ऐसे चली आई है। ठीक है बता रहे हैं, रुको यहीं। महाराज उनका सामान खत्म हो चुका है, बिना सामान के आई हैं। तुमसे क्या कहा था हमने? सामान से सम्मान यानी इज्जत के साथ आदर पूर्वक। अच्छा आदर क्या कहा भैया? चलो है? चलो पैदल ना खोपड़ी में बैठा कन्हैया भाई डाले। अरे पिंकू पूछ ले ये ई रिक्शा में बैठी आप? पिंकू ये कहां से डोल के आ रही है? चलो कहा तो भाई तुम्हार बहू तो इसे बहुत थक गई हूँ मुझे अपने कन्हैया में घोड़ा दे नीचे चलो ना बहू पेलता हूँ फिर हम। चलो वैसे है बुलाएं इन पैदल चलो। अरे बोरे भैया ये क्या ये क्या? बहन सूप रखे तेरा चेहरा लहू लुहान, अरे कौन मैया का लाल पैदा हो गया इस इसने काटे तेरे ये नाक कान। रच संस्कृत की पराकाष्ठा को चुनौती देने वाला कौन? ये बदकुमारी किसने की, किसका जमाना वो फिर गया? कौन से बदबख्त का वो फेरा? गजा का ये फिर गया? जाहिर निशान वो मुल्जिम को दो, वो सजा वो मौत चढ़ा कर दम फांसी में मुल्क के अदम भेज दो। हमारी मर्यादा के साथ खेलने की कोशिश किसने की है? कौन है भगनी? केवल तुम उसका नाम बताओ। बता ए,
तुम चुप भैया। अचानक एक दिन में पंचवटी पहुंच गई। वहां बहुत सुंदर दो तपसी राजकुमार पर्णकुटी बना करके रहते। उनके साथ में बहुत दिव्य नारी। मैं नारी स्वभाव से चली गई ये सोच करके जाके पूछूंगी पुरुषों से कौन पूछे। उस नारी से पूछूंगी कि आप लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे रहते। वो जो छोटा तपसी ना भैया, उसने कहा कौन कौन हमारे आश्रम के अंदर आ गई। मैंने कहा मैं खरदूषण की बहन हूँ। अरे बोले राक्षसी, राक्षस होकर हमारे आश्रम के अंदर आ गई, हमारा आश्रम अपवित्र हो गया। मैंने कहा तपसी अपने भैया से कह दूंगी और तुम्हें बहुत बड़ा दंड दिलाऊंगी। जो मैंने इतना कहा भैया मेरे बाल पकड़ के घसीट के पत्थर की चट्टान पे पटक दिया। बस बस बहन सोम रखे। मेरी छाती में बैठ गया, मेरी नाक का डाली, मेरे कान का दर्द। उस तपस्वी की या चल हमारा नाम सुनने के बाद उसने तुम्हारे नाक कान काटे हैं। हाँ भैया, हम तुम्हारे नाक कान का बदला लेंगे। जिस छलिया का उत्पात है ये, उसको हम दंड देंगे। बहन के नाक कान का बदला उस रामचंद्र से लेंगे। चौदह 14,000 सेना तैयार करो। दंड कारक को खेल करके वो तपस्वियों को समाप्त कर देना है। भैया तुम आगे चलो और वो जगह बताओ कहाँ है वो दोनों। प्रस्थान रुको 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 महाराज। क्या आप अपनी बहन को आगे कर रहे हैं? यो अशगुन पहले आगे चल रही थी। मार डाले जाओगे अगर बहन के लिए एक भी शब्द बोला तुमने। वो हमारी बहन है और उस स्थान को वो जानती है कि तू जानता है। ये जानता। तो फिर चलो आगे। आगे कौन चलेगा? अशगुन। शगुन शगुन चलो भैया मेरे साथ। हर हर महादेव। चलो सुना भाई 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 निश्चर निकर बरूथा जनु सपच कर जल गिर जूथा नाना बाहन नाना कारा नाना युद्ध धर घोर अपारा आगे अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी अशगुन अमित होई भयकारी कन्हैया नाम मृत्यु बस सब धारी कर जय कर जय गगन उड़ाही धरौ दो भाई हरि मारौ तियले उछड़ाई मारो कोल चरण पे चारों तरफ से घेर लो मारो चारों तरफ से। 14,000 सेनानियों के साथ में खरदूषण भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। भगवान ने दूर से ही देखा धूरी पूरी नब मंडल रहा। इन सेनानियों के भगदड़ से धूल आकाश में उड़ने लगी और उस धूल को ही देखा भगवान श्री राम जी ने तो लक्ष्मण जी को एक आदेश दिया। राम बुलाई अनुजी सन कहा।
प्रताप लक्ष्मण, उधर देखो भैया, कुछ धूल सी उड़ती दिख रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि निशाचरों का कोई बहुत बड़ा समुदाय इधर ही आ रहा है, इसलिए तुम जानकी को लेकर के गिर कंदरा में चले जाओ। ले जानकी जाओ गिर कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, सजग रहना का सजग जाओ। हर हर महादेव, घेरो पकड़ो चारे पे भैया। आई गए बग में धरो धरो धावत सुभन, जथा विरोगिया केल बाल रवि खेरत तनुज, प्रभु बिलोकी सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरदारी, सचिव बोली भगवान का दर्शन जिस समय खरदूषण ने किया, ऐसी सुंदरता पहली बार देखी है। तो सचिव बोली बोले खरदूषण, बोले खरदूषण जी महाराज। देखो जी, ये बालक आज तक हमने बहुत से देव दैत्य दानव किन्नर गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य, लेकिन ऐसी सुंदरता नहीं देखी। ये बालक नरों में भूषण है, यद्यप भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इसने हमारी बहन को कुरूप किया है जी, लेकिन ये मृत्यु दंड के योग्य नहीं है। तो फिर बुआ का रिश्ता ही नहीं सत्य कर दिया जाए। तुमको हम दूत बना करके इसके पास भेजते हैं जी, जी, जी। तुम इसके पास चले जाओ, तुम जानते हो सुंदरता हमको प्रिय है जी, और ये सुंदरता समाप्त न हो हमारे इन हाथों से। अस्त हमारा संदेशा दे दो, अपनी नारी हमको दे दे, अपने धनुष बाण यहीं पर छोड़कर प्राण बचा करके दोनों भाई भाग जाएं। जैसा हम कहते हैं उससे कहो, वो जैसा कहे हमको बताओ। जैसी महाराज एक बात पूछे क्या, जैसे आप उनकी नारी हर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगी उनकी नारी, फिर आप अपनी वाली नारी क्या करेंगे? इसके तुम जिम्मेदार। ये बहुत बातें पूछता है। नहीं, हम पूछे जैसे लोग नया कपड़ा लाने, तुझे जैसा बताया गया है वैसा करो। नहीं, हम ये सोचे थे कि जैसे फटी, अरे अभी इस चक्कर में क्या है, चल बनियान पुरानी लोग यही यही करेगा ये। ठीक है, जाता हूँ। जाओ पूछ के बताओ आके। दूतन कहा, ज्यों ही दूत को निर्देश दिया खरदूषण ने, भगवान श्री राम जी के पास दूत पहुंचे। दूतन कहा राम सन जाई, कहा राम सन जाई, क्यों यहाँ क्या देख रहे हो? कतली ढूंढ रहे हैं। कतली? हाँ, एक केस हो गया है अभी भी, ताजा ताजा। ये क्या है यहाँ पर? हाँ, ये गजब रे गजब, और ये गजब रे गजब। क्या हुआ, तुम हमें जानते हो क्या? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे,
चाहते हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हम तुम्हें पहचानते हैं। हमें पहचानते हम आपको पहचानते आप पहचाने हमको हम आपको नहीं पहचाने। लेकिन ये बताओ वहां पर मिले थे तो बढ़िया कपड़े पहने थे मुकुट था बाबा जी थे बाबा जी का क्या हुआ काफी दिन बाद मिले ये हमको तड़का दीदी को एक ही बार में निपटा दिया था। हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचाना ले सब बात लुल। क्या नाम है आपका? हमको नहीं पहचाना हम वही वही याद करो वही ताला घुमन वाले अच्छा वहां तुम मिले थे गुरुदेव भगवान के साथ। याद आया उस समय आप बहुत बढ़िया कपड़े पहने तो वहां तो तुम्हारा कुछ दूसरा नाम था। वहाँ हमारा नाम चिलपोटन था। हाँ हाँ यही देखा पहचान गए भाईचारे। ये नाम बदल बदल के ही तो काम लगाता है। ये बताओ ये सब क्या है? आप तो बहुत बढ़िया कपड़े पहनते थे ये सब बाबा गिरी कब से शुरू कर दी? पिताजी की आज्ञा है। हाँ कहे हुए जाओ घूम टा लिया और दो चार दस कपे लिया यही कहानी होगी। कहे दीदी के ऊपर तुमने पहला आक्रमण किया था। तुम तो सब जानते हो। ये बताओ हाँ आपके साथ वो आपके छोटे भाई भी हैं वो कहाँ हैं आजकल? ड्यूटी कहूँ वो है कहूँ साथ में है। साथ में है, है यही हाँ। अच्छा शादी आदि हो गई तुम्हारी? नहीं मैं मालूम हुआ कि आपकी आपका विवाह हो चुका है। तुम अपनी बताओ। नहीं हम तो अभी ढूंढ रहे हैं अभी हमको काफी लोग देखने आते हैं बस देख के चले जाते हैं फिर नहीं आते और कहीं एक दो हम ऐसे ही अभी अन्ना टहल रहे हैं हमको देख के लोग चले जाते हैं फिर आते नहीं कहते आएंगे अब वो कब आएंगे हम जब चले जाएंगे तब आएंगे। भगवान ये आज यहाँ कैसे आए आपके पास? ये बताओ तब से तुम कहीं दिखे नहीं वहाँ? नहीं तब से हम यहीं पंचवटी में आ गए यहाँ महाराज वो खरदूषण रहते हैं ना सिद्ध आश्रम से सीधे इधर। हाँ सीधे यहीं पोस्टिंग हमारी हो गई थी वहाँ सब आपने निपटा दिया था वहाँ तो धुआं धुआं बचा था तो वहाँ का धुआं यहाँ कुछ आके गिरा तो हम वहीं यहीं आ गए आपने बचा दिया था ना हमको। हाँ कि आप कभी तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ ये बताओ हाँ यहाँ कोई औरत आई थी महिला कोई? हाँ एक लोग आई थी। आई थी केस तगड़ा है इसको सुलझाना पड़ेगा क्योंकि इज्जत की बात है। वो आई थी तो क्या कह रही थी? वो हमसे कह रही थी तुम हमसे विवाह कर लो। क्या खो नास काटी हमते को बार नहीं कोस और यही नास काटी भौरी डरावन आई थी और कई रही राय हम अचानक निकर परी उनसे और यह नास काटी इन भौरी डरावन। ये बताओ जी तुम उनके बारे में पूछ रहे हो क्या तुम्हारा उनसे कुछ संबंध है? उनका नाम क्या है? नाम क्या था? वो तो हमको सुंदरी अपना नाम बता रहे हैं सुंदरी। नहीं कोई भाई बहन वगैरह कुछ बात चर्चा चली ऐसी? हाँ वो बता रहे थे हम रावण जी की बहन है। हाँ वही 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 देखो नाश काटी ऐसा लंका में ऐसा घिनावत घूमती। नहीं तो तुम्हारा कोई संबंध है क्या उनसे? वाह हमारा संबंध कहाँ है वो रिश्ते हमारी बुआ लगती है उसको बुआ कहते हैं। तो तुम्हारी तो प्रवृत्ति ऐसी नहीं है? नहीं नहीं हमसे कोई लेना देना नहीं है हम बस खाते पीते हैं हम तो खड़रम और पड़रम में पड़े हैं हमें वरदान मिला है खलरम पर। वो आई थी हाँ क्या कह रही हमसे कहने लगी विवाह कर लो। हाँ ठीक हमने मना कर लेकिन ये जो नाक कान का ऑपरेशन हुआ बिना डिग्री के हाँ
ये ऑपरेशन कैसे हो गया? यही तो हम बता रहे हैं। हाँ, हमसे कहने लगी विवाह कर लो। हाँ ठीक, हमने मना कर दिया। हाँ तुम्हारा तो हो ही चुको, तो ये तुम तो जानते हो। फिर क्या वो जबरदस्ती करने लगी? ऐसा कर थी न वही तो फिर जबरदस्ती कर थी। कहने लगी विवाह करो, नहीं करोगे तो। हाँ तो हमने कहा फिर। अरे उन्होंने बड़ा भयंकर रूप धर लिया। हाँ वह नाश काटी, इतने बड़े बड़े दांत हैं। हाँ हाँ वैसे हमारी भार्या को खाने के लिए दौड़ी। अरे मैंने देखा सीता भयभीत है। हाँ। बस छोटा अनुस था। अच्छा ये काम उन्होंने किया है, तभी हम यार ये काट छांट बहुत जल्दी कर देते हैं। यहाँ तो सब सैन में ही हो जाता। ऐसा है कि अब इतना आपने काम जो कर दिया है, यो एक बवाल पैदा कर दिया आपने। क्यों? अब वो अपने पूरे भाइयों सहित आई है खरदूषण के साथ। वो देखो 18 छोसड़ी सेना वो खड़ी है, 14,000 है। हाँ। और बाकी जो ऊपर टाले हुई अलग है, वही अलग है, गिनती नहीं। वो लंका से आए। हाँ ये दंडका रहने वाले। उन उसके भाइयों ने कहा है। हाँ क्या? उन्होंने ये कहा है। तो तुम दूध बन करके आए? हाँ कहो क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि धनुष बाण यहीं रख दो, अपनी नारी यहीं छोड़ दो। हाँ और यहाँ से पलायन कर जाओ, और नहीं तो फिर तुम जाओ। सुनत राम बोले मुस्काई, तुम जाओ अपने महाराज को मेरा भी एक संदेशा सुना देना। जी उनसे कहना कि हम छत्री मृगया बंद कर रही, हम छत्री हैं वन में मृगया करते हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिर रही, उनके जैसे दुष्ट मृगों को हम खोजते फिरते हैं। रिप बलवंत देख नहीं डरही, और एक बार कालव सन लड़ही। शत्रु कितना भी बलवान हो, हम उससे युद्ध भूमि में डरते नहीं हैं, एक बार काल से भी लड़ जाएंगे। और उनसे कहना कि जो न होई बल तो घर फिर जाओ, यदि उनमें बल ना हो तो घर लौट जाए, क्योंकि समर विमुख मैं हतव न काहू। जो युद्ध भूमि में विमुख हो जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन रन चढ़ करी कपट चतुराई, युद्ध भूमि में आकर के और फिर वहां कपट किया चतुराई की, तो फिर शत्रु पर दया दिखाना कृपा करना ये कायरता कहलाती है। रिपु पर कृपा परम कदराई, जाओ ये संदेशा अपने महाराज को सुना। जैसी आज्ञा। भगवान ने खरदूषण का संदेश सुना और सुनने के बाद अपना जवाब सचिव को दिया, और वो तुरंत खरदूषण के पास पहुंचा। दूतन जाई तुरत सब कहे वू। महाराज क्या हुआ? भाग गए दोनों? भाग नहीं गए, उन्होंने कहा है अपने महाराज से कह दो। पहले इसको नीचे रख के बोल। उन्होंने कहा है महाराज कि अपने महाराज से कह दो कि तुम जैसे लोगों को। ये उंगली क्यों उठा रहा है? अरे तो जैसे अब आपने कहा था वो उंगली उठा रहा था। हाँ ऐसे ही इसी तरह कर रहा है। चलो अगर कर रहा था तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। बता मतलब ज्यादा उठाओगे तो ये कट भी सकती है। नहीं आपने कहा था कि जैसा वो मैं तो वैसे कहना है, वैसे वहाँ कहना, अपना न मिलाना उसमें कतई नहीं, और जैसा वो कहे वैसा हमें सुनाना। ठीक है तो वही तो हम कर रहे हैं। सुनाओ। तुम जैसे लोगों को, और दूर से उचित दूरी, दो गज की दूरी मास्क से जरूरी। ये ज्यादा हो गई, और पास से बताओ।
नपाई करा ले, नहीं बताओ, लेखपाल को बुलाए। तुम जैसे लोगों को हम खर मृग खजहा कुकुर, ये भी कह रहा था, ये कह रहा था, ऐसा कहा है उसने, कहा ऐसा, ऐसा कहा, तुम कहा है उसने, जैसा आपने कहा था वैसा मैं यहाँ कहूँ। उसने ये कहा है जो बोल रहा है, कहा है आप जैसे लोगों को हम खग मृग गधा जाने क्या क्या समझते हैं, और रिप बलवंत देख नहीं डर रही एक बार, हम नहीं कह रहे, तू मेरे ऊपर चढ़ के बताएगा, हम काल से भी लड़ सकते हैं, अगर इतना बल नहीं है तो पीठ दिखा के अगर जा रहे हो तो फिर हम लड़ेंगे नहीं। एक बात ये बता जी, तू हमारा नमक खाता है, हाँ, तेरे लहू में हमारा नमक है, और वो हमको इस तरह कह रहा था और तेरे लहू में उबाल नहीं आ रहा था, आया आया, लेकिन उस समय कान बंद थे हमारे, कान बंद थे, दोनों उंगली बंद थी, मतलब वो कह रहा था तो तुमने कानों से नहीं सुना ना, तो सुना कहां से भाई, जब कान बंद थे तो सुना कहां से, उनके ओठों में इतनी फड़फड़ाहट थी, यानी मुखाकृत से, जी शाबाश, मुखाकृत से मैंने जान लिया कि वो आपको ऐसा ऐसा कहे। बड़े होशियार हो तुम, वो शोधन बालक के द्वारा ऐसा जवाब भेजा गया है जी, इसलिए अब उसको तो निश्चित दंड देना होगा। भाइयों एक साथ आक्रमण किया जाए, सावधान सावधान, दस राम सावधान, हर हर महादेव। सुर मुनि सब है प्रभु देखी, मायानाथ अस कौतुक करो, देखई देखई देखई, मायानाथ अस कौतुक करो, कौतुक करो, कौतुक करो, कौतुक करो, देखई परस पर राम, परस पर राम, परस पर राम, देखई परस पर राम, परस पर राम, परस पर राम, कर सकता एक दूसरे में राम का दर्शन करते हुए आपस में ही लड़कर के ये सब समाप्त हो गए, और जब खरदूषण की सारी सेना समाप्त हो गई तब आगे बढ़ा ये प्रसंग, धुआं देख खरदूषण केरा, सब समाप्त हो गए, अब क्या करो, इस अवसर का मुझे लाभ लेना चाहिए, अब मैं स्वयं लंका जाकर के भाई रावण को प्रेरित करूंगी, जिससे मेरा प्रसोद मुझे मिल जाए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, सुर नर मुनि सबके भयभीते, तब लक्ष्मण सीतई नहीं आए, तब पथ परत हरि गुर लाए, प्रभु पद परत हर सी उर लाए, प्रभु पद परत हर सी उर लाए, पंचपति पंचपति बस श्री रघुनायक, सुर मुनि सुखदायक, भरत चरित सुर मुनि सुखदायक, हुआ देखी। इस प्रकार से वहां तो चरित हो ही रहे, और इधर सूपनखा चलती है अपने
भ्राता रावण के दरबार की ओर महाराज विराज श्री श्री रावण जी पधार रहे हैं। हुआ देखे खरदूषण के जाई सुपन खा रावण फेरा जाई सुपन खा रावण फेरा सुपन खा रावण फेरा सुपन खा रावण फेरा। अच्छा माइक आज इस लंका की चर्चा विश्व में यत तत सर्वत्र हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि ज्योति हूं मैं जगत के इस अंधेरे भाग का, ज्योति हूं मैं अखिल ब्रह्मांड के सौभाग्य का, कर्म हूं मैं मोक्ष का, कर्म हूं मैं मोक्ष का जिसकी कोई भाषा नहीं, ज्ञान हूं मैं वह कि जिसकी अन्य परिभाषा नहीं, मेरी वंदना करता प्रलय का वह विलक्षण क्षण तो हिमालय भी अगर या हेर दे रावण, बिना तल के धरातल का तल रह नहीं सकता, बिना भक्त के वो भगवान भू पर आ नहीं सकता। इस असंभव शब्द को भूतल पर अब रहने नहीं दूंगा, बिना मीठा किए सागर का जल पहने नहीं दूंगा, आग में होगी न गर्मी, आग में होगी न गर्मी, मेघ में होगा न गर्जन, जब तलक चाहू न होगा दानो पंथ का मर्दन, है करते वेद अगवानी, है करते वेद अगवानी, ये दिशाएं कर रही बंदन, वो आठो सिद्धियां कर लगाती भाल पर चंदन, दबाता चरण वैभव भी, दबाता चरण वैभव भी, न जिसको काल दस्ता है तपस्या इसको कहते हैं, तपस्या इसको कहते हैं, खड़ा प्रदान हंसता है तपस्या इसको कहते हैं। अष्ट राज की कार्रवाई सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। धुआ दीख खरदूषण केरा जाई सुपन खा रावण प्रेरा। अरे बोले भैया राज सेवको, क्या जो मैं सुन रहा हूं तुम लोग भी वही सुन रहे? किसी अबला के करुण कंदन के स्वर, अरे जिस राज दरबार में सदैव अट्टहास के स्वर सुनाई पड़ते, आज किसी नारी के कंदन के स्वर, जाओ
सिखता से पता करो कौन है। कैसी आ गया हमें तो पता है को है, हम अगर भाग ना खड़े हुए हम को पेल दिया जाता वहां। अब तो पोस्टिंग पे पोस्टिंग बन रही है, अब आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। नजी भर के देख तुम इन आ गई और तुम यहाँ। हम बच गए वहाँ बच गए। और क्या नमक काम मुकेश नमक मेरे भाइयों को। हमें सब पता है तुम क्या करन गई। तुम छिपन चोरी से वहाँ भागे। हमें सब मालूम है तुम कौन चौथा रथ रचा रहा हूँ। तुम कैसे बचे वहाँ। हम अरे हम निकल लिया, तुम्हारे पीछे तो खड़े थे। तुमने मेरे भाइयों के साथ युद्ध क्यों नहीं किया। खूब किया, ये युद्ध करा रही हूँ। ये फुका दी नहीं सब वन, अब इन फूको तापो चबा ले जब तक रहे हो। अब यही बचे हैं मुखिया, इन होंगे निपटा। जल्दी जाओ भाई से बताओ का कितने ही करें। मैं बहुत जल्दी भैया से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत क्रोध भी हूँ, जल्दी जाओ। अब होगी बवाल, अब आगी लागी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो राज सेवक। महाराज आपकी बहन सूपनखा दरबार। क्या बहन स्वरूप है जी, अच्छी उसे दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसी आ गया। भैया बड़े प्रसन्न बैठे दरबार में बैठे। तुम क्रोध में हो और वो यथा प्रसन्नतम। आप बढ़िया इस समय नाच गाना चल रहा है और तुम ऐसे में यहाँ भाई नमक डाल दे आओ हमें मालूम। चलो बुलाया बोले जल्दी से लेके आओ और जैसे बने नहीं तो गदाम बैठा रहो। चलो आओ भैया। बहन स्वरूपे स्वरूपे की सिंघनी ने तारा है वंशी किस मैया ने जन्मा है वंशार इसने रावण की बहन की ओर देखने का साहस किया है। अति शीघ्र कहो ये ना कटा नकती होई चेहरा लहू लुहान हुआ। चला दे बहने सिर पर खा ये किससे युद्ध घमासान हुआ। नाम तू बतला दे उसका, नाम तू बतला दे उसका। मैं रक्त फांसी तक पे मर के अति शीघ्र कहो किसने किया है तुम्हारे साथ ये दुस्साहस। बड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य आश्चर्य मुझे लगना चाहिए, तुम्हें किस बात का आश्चर्य। आश्चर्य तो मुझे लगना चाहिए, लग रहा है। पल पल की खबर पूरे विश्व की मेरे भाई साहब को मिलती है। अवश्य इतने सशक्त गुप्तचर हैं। अवश्य त्रिलोक जिनका शासन मानता है। वाह तो क्या गुप्तचर जहां की तुम सम्राज्ञी हो, जहां मेरा छोटा भाई मेरे समान बलशाली जहां का राजा है, वहां गुप्तचर लगाकर तुम्हारी स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं। तुम्हारे भाई के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाए तब तुम्हारे गुप्तचर तुम्हें
पूछना नहीं देंगे? वो अवश्य देंगे अगर वो जीवित होंगे। या तो वहां कोई जीवित नहीं बचा या कोई दुर्घटना नहीं हुई। जो राजा स्वतंत्र हो जाता है तो क्या राजा को परतंत्र होना चाहिए? बिल्कुल, स्वतंत्र होते हुए ही राजा परतंत्र होता है। यदि अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता राजा स्वतंत्र होके, तो क्या प्रजा का ध्यान रखना परतंत्रता का द्योतक? तुम्हारी परिभाषा गड़बड़ है, इसको सुधारो। यही तो बड़ी मुश्किल है। राजा स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र होता है, लेकिन तुम जो कर रहे हो, देखिए सुनो, प्यार के अनुशासन में परतंत्रता नहीं होती, वरन श्रद्धा और भक्ति होती है। प्यार होता है, निश्चित रूप से प्रजा और राजा के पुत्र और पितृवत संबंध होते, लेकिन वहां परतंत्रता नहीं, प्यार होता है। राजा सोते हुए भी चिंतित रहता है अवश्य प्रजा के प्रति, यही परतंत्रता है प्रजा के प्रति। लेकिन वहां का राजा कौन है? जैसे अवश्य मैं विश्व सम्राट हूं, लेकिन लंका की समस्त कार्य व्यवस्था मैंने विभीषण को सौंप रखी, ठीक उसी तरह उस जहां की से तुम आ रही हो वहां की संपूर्ण व्यवस्था खरदूसर को सौंप रखी। वो राजा थोड़ी है, वो तो चौकी का मालिक है। करत पान सोवत दिन राती, पान करते सुंदरियों के बीच में रात दिन स्वतंत्र सोते हो? नहीं, ये राक्षसों का धर्म है जिसका मैं पालन करता हूं। परदारा बमर्षितम प्राक्यार्थे लोलुपा त्रयम् त्रयम्बकम् भक्ति स्वाध्यायी राक्षस धर्म इतुच्यते। ये राक्षसों के धर्म है, तो मैं कोई अनुचित थोड़ा कर रहा हूं? अगर करत पान सोवत दिन राती तावर सिर पर रिपोती रिश्याती, और मुझसे पूछते हो कि ये क्या हो गया, मेरे क्रोध का कारण पूछते हो? तुम्हारी स्थिति को देख के अगर नहीं पूछूंगा तो तुम ये कहोगे कि मुझे देखने के बाद, हमारी हालत देखने के बाद हमारे भाई ने मेरी सुध भी नहीं ली, तो भी तो अनुचित होता। क्या करें, ना पूछो। तुम कहते हो कि खरदूषण से तुमने नहीं कहा? ये मैंने कहा नहीं। तुम अपनी बात कहो तब मैं कुछ कहूंगा, अभी तो मैंने केवल कारण पूछा है कि ये कैसे ये तुम्हारी स्थिति बदली। अच्छा, जो अभी तक तुम्हारी नाक और इस लंका की नाक सुरक्षित, उनके साथ में बहुत दिव्य एक नारी भी है। मेरे जी में आया कि पुरुषों से बात क्या करूं, मैं इस नारी से जाके पूछूं कि क्या कहां के हो, यहां कैसे तुमने पण कुटी बना के रहते कौन है वो दो बालक? हाँ, तो पूछने का अधिकार भी उन बालकों से ही था, नहीं नारी से नहीं। बालक थोड़ी है, उनके संग में नारी है ना, तो मैं नारी से पूछूं कि आप कहां के हैं, कैसे आए? इसे चूंकि सूत्र किसके हाथ में है? उन बालकों के हाथ रहे, वो रहे, नारी तो उनके साथ में है, तो पूछने का अधिकार भी उन दो बालकों के लिए ही जाता था। चलिए फिर भी तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। व्यास जी, थोड़ा आप भी आनंद लें। मिलना चाहा उस नारी से, सूपन खाने मिलना चाहा। सुनिए, ये है जानना नहीं चाहा, मिलना चाहा। वो कह रही हो, राम लखन कह रही हो? हृदय में बड़ी उथल पुथल है। अवश्य, तो सुनो, भाई दो लड़के राम लखन एक है कि दो है, यही मैं पूछ रहा हूं। वो एक नहीं, यहाँ दो है, यहाँ दो। हाँ, उसको छोड़ दो। भाई दो लड़के राम
में आए हैं। सन में सुंदर सुकुमारी नारी साथ में आए।